हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं और सभी घरों में अपने लड्डू गोपाल को भी सब राखी बांधते हैं। तो लड्डू गोपाल को हमें राखी कैसे बांधनी है और लड्डू गोपाल के साथ हमें रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाना है, वही हम इस वीडियो में जानेंगे और क्या गलती हमें नहीं करनी है रक्षाबंधन के दिन वह भी जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए नई पोशाक लेके आई हूँ, क्योंकि भाई के लिए नए कपड़े बहुत सी बहनें रक्षाबंधन के दिन लाती हैं, कपड़े नहीं ला पाती हैं तो रूमाल लाती हैं। तो यहाँ मैं ला पाई तो इसलिए मैं ले आई हूँ पोशाक। ये आपके ऊपर है कि आप ला सकती हैं तो ले आएँ, नहीं तो आप पुरानी भी पहना सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने श्रृंगार का सामान लिया है अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम एक थाल लेंगे। रक्षाबंधन स्पेशल त्यौहार होता है और फिर हम लड्डू गोपाल को राखी बांध रहे हैं तो उनको स्पेशल स्नान तो हमें कराना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन रोली का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो जो स्वास्तिक बनाएं आप लड्डू गोपाल को स्नान कराने से पहले, वह आप रोली का बनाएं। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब मैं अपने लाला को यहाँ विराजमान करूँगी। उससे पहले हम एक रखेंगे फूल, कुछ पत्तियाँ भी आप रख सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को बैठा दिया है। पहले हमें सबसे पहले तो सादा जल से स्नान कराना है, क्योंकि देखिए स्नान कराएंगे तो सबसे पहले हमें सादा जल लेना है। सादा जल के बाद देखिए, अभी मैंने आपसे बोला रक्षाबंधन है तो कुछ स्पेशल स्नान कराएंगे। आप पंचामृत बना सकते हैं, कच्चा दूध बना सकते हैं, चंदन स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है, क्योंकि रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन पड़ता है तो दूध के स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए मैंने कच्चे दूध से स्नान कराया। फिर से मैं सादा जल से स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पर हम सादा जल से स्नान कराएंगे और सादा जल से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को, जो अभी मैंने कपड़े आपको दिखाए थे, यहाँ कर लेंगे हम सुंदर सा श्रृंगार। भाई हम राखी बांध रहे हैं तो यहाँ हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। अब देखिए, राखी का मतलब होता है रक्षा सूत्र। तो रक्षा सूत्र हम किसी को भी बांध सकते हैं। आपका कोई भी रिश्ता हो, आप लड्डू गोपाल को राखी बांध सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करते करते मेरा हो गया है लड्डू गोपाल का श्रृंगार। तो अब हमारे लाला हो गए हैं तैयार। अब यहाँ पर देखिए, मैं कानों में दो नग चुपकाऊंगी, उसके बाद मुकुट पहनाकर लड्डू गोपाल को कर देंगे विराजमान। रक्षा सूत्र मतलब एक भाई को बहन मान सकती है, लेकिन अगर हम लड्डू गोपाल को बेटा मानते हैं तो वो हमेशा हमसे हमारी रक्षा करेंगे, उनसे हम वचन ले सकते हैं, इसलिए हम लड्डू गोपाल को राखी बांध सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लाला को विराजमान कर लिया है। रक्षाबंधन के दिन लड्डू गोपाल को आप इत्र सेवा अवश्य दें, और कोई भी काम करने से पहले हमें दीपक जलाना होता है। और राखी का त्यौहार है तो हम शुभ काम कर रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल को हम राखी बांध रहे हैं, तो सबसे पहले हम जलाएंगे दीपक, उसी के बाद हम राखी बांधेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने दीपक जला लिया है। दीपक जलाने के बाद मैंने अभी आपसे बोला था कि जब रक्षाबंधन हो तो आप लड्डू गोपाल को इत्र सेवा अवश्य दें, तो यहाँ मैं थोड़ी सी इत्र सेवा दे रही हूँ। देखिए, अब दीपक जला लिया है तो सबसे पहले हम करेंगे अपने लड्डू गोपाल का टीका। टीका देखिए, आप चंदन से भी कर सकते हैं, अश्वगंधा से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए रोली का महत्व होता है रक्षाबंधन के दिन, तो हमें रोली से ही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, यहाँ मैंने रोली से टीका किया है, फिर मैंने थोड़े से अक्षत लगाए हैं, क्योंकि हम भाई को जब टीका करते हैं तब भी अक्षत लगाते हैं, तो हमें बाल गोपाल के भी अक्षत लगाना चाहिए। तो देखिए, दो तरीके से आप राखी बांध सकते हैं। लड्डू गोपाल के हाथ बहुत छोटे होते हैं, बच्चे का रूप होते हैं, तो देखिए यहाँ मैंने कलावे को फोल्ड करके दो बार उसकी राखी बांधी है। और देखिए, एक यह राखी मैंने बनाई है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है, आपको जिस तरीके से लगे। देखिए, मैंने कलावे की पहले बांधी है, फिर मैंने जो बनाई है, जैसे मार्केट में मिलती हैं बहुत छोटी छोटी, आप वो भी ला सकते हैं, जैसा आपका भाव हो आप उस तरीके से लड्डू गोपाल को राखी बांधें। छोटी राखियाँ भी मिलती हैं। अब यहाँ हमारे पास जो भी फूल होंगे वो हम लड्डू गोपाल को चढ़ा देंगे। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल को टीका किया है और राखी बांधी है। तो देखिए, इसके बाद अब मीठा खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खाली राखी नहीं बांधी जाती है। तो यहाँ घेवर का बहुत महत्व होता है रक्षाबंधन वाले दिन, तो यहाँ मंगाया है मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए घेवर। तो देखिए, यहाँ मैंने उनको थोड़ा सा घेवर उनके होठों पर लगाया है। उसके बाद एक लोटा मैंने जल रखा है, क्योंकि उनने
मीठा खाया है तो जल तो रखना ज़रूरी है। और देखिए रक्षाबंधन के दिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर सेवई का भोग लगना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कटोरी में मैंने थोड़ी सी दूध की सेवई बनाई है मीठी, उसका आप भोग ज़रूर लगाएं लड्डू गोपाल का। और देखिए जब राखी बांधते हैं तो हम भैयाई के लिए गिफ्ट भी ले जाते हैं, तो यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल के लेके आई हूँ बांसुरी। तो यहाँ मैं चांदी की बांसुरी लाई हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चांदी का लाएँ या सोने का, आप छोटा टिफिन ला सकते हैं, मुकुट ला सकते हैं, माला ला सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए जो आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप लड्डू गोपाल के लिए चाहे बहुत छोटा सा लाएँ पर गिफ्ट ज़रूर लेके आएँ। अब देखिए प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे, तो यहाँ हम बाल गोपाल की आरती कर लेंगे। आरती आप पर आती होगी, वो आप आरती कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने राखी बांध ली है, और ये जो घेवर है जो हमने राखी बांधी है लड्डू गोपाल को, लड्डू गोपाल का भोग लगाने के बाद, राखी बांधने के बाद शाम को आप हटा लें और इसको सभी घर में खा सकती हैं। और गिफ्ट में लड्डू गोपाल को आप कुछ भी दे सकती हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़, लेकिन खाली हाथ राखी ना बांधें। तो इस तरीके से इस रक्षाबंधन पर हमें अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधनी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।